वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप अगर नए यूट्यूबर हैं तो आपके लिए ये बात जानना जरूरी है, बहुत जरूरी है कि आपका जब मोनेटाइज हो जाता है तो आपको क्या करना पड़ेगा। आपको मोनेटाइज जब हो जाता है तो आपको पिन के लिए अप्लाई करना पड़ता है दोस्तों। जी हाँ, आपको पिन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। पिन का अप्लाई करके आप अपना घर पर पिन मंगवा सकते हैं, उसके बाद अपना चैनल को वेरीफाई कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं आज इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि कैसे आपको पिन के लिए अप्लाई करना पड़ता है, कैसे आपको पिन के लिए अप्लाई करके चैनल को वेरीफाई कर सकते हैं। पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। मेरे वीडियो के अंदर अंत तक बने रहिएगा तो आपको पूरा कुछ समझ में आ जाएगा कि चैनल को कैसे वेरीफाई किया जाता है और पिन को कैसे अप्लाई किया जाता है दोस्तों। आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, काहे कि एक लाइक आपका मुझे मोटिवेट करती है अगली वीडियो लाने के लिए। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। आप देख सकते हैं जब चैनल मोनेटाइज होता है तो इस तरह का इंटरफेस आ चुका होगा आपके सामने। आप देख सकते हैं कि चैनल मोनेटाइज होके आप इस तरह का इंटरफेस आ चुका होगा, आप देख सकते हैं। उसके बाद आप मेल देखिएगा, मैं गूगल एडसन अकाउंट बनाया हूं। आप देख सकते हैं मेरा मेल आ चुका है, यहां देख सकते हैं, इसको खोल के देख लीजिएगा। देख सकते हैं कि एक्शन बटन आ चुका है मेरा वेरीफाई के लिए कंप्लीट। देख सकते हैं कि वेरीफाई के लिए एकदम रेडी हो चुका है मेरा गूगल एडसन। आपको आप देख सकते हैं यहां पढ़ के। उसके बाद आप अगर चैनल मेरा चैनल गूगल एडसन का एक्शन बटन आया है एक महीना बाद, जो मैं मोनेटाइज होने के बाद एक महीना बाद मेरा गूगल एडसन जो वेरीफाई होगा पिन के लिए अप्लाई करेंगे तो उसका एक्शन बटन आ चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ ये पिन के लिए वेरीफाई आप कर सकते हैं दोस्तों। तो अब मैं अपना यूट्यूब चैनल में आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ देख रहे हैं इम्पोर्टेंट, प्लीज साइन इन योर एडसन अकाउंट, वेरीफाई योर आइडेंटिटी, दिस रिक्वेस्ट रिसीव फ्यूचर पेमेंट एंड कंटिन्यू मोनेटाइजिंग। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ बोल रहा है कि आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा आपको वेरीफाई करने के लिए। तो आप मैं अपना पेमेंट गूगल एडसन में चला जाऊंगा। आप देख सकते हैं यहाँ एक्शन बटन आ चुका है मेरा, आप देख सकते हैं यहाँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैं गूगल एडसन अकाउंट में आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं योर पेमेंट आर करेंटली ऑन होल्ड, एक्शन रिक्वायर रिलीज्ड पेमेंट। यहाँ मेरा एक्शन बटन आ चुका है, आप देख सकते हैं मेरा $4.5 करीब है मेरा बैलेंस। जीरो में भी हो जाता है कभी कभी, जीरो में जीरो बैलेंस $0 में भी हो जाता है, दिक्कत नहीं है। तो मेरा पेमेंट आ चुका है $4.5, तो मेरा इसमें जीरो में भी हो जाएगा, आपका टेंशन नहीं आएगा। पहले $10 आता था इसमें, देख सकते हैं $10 आता था तो आपका गूगल एडसन वेरीफाई होने के लिए रेडी हो जाता था। अभी ऐसा नहीं है, अभी नया सिस्टम आ चुका है। अभी आप जीरो में भी कर सकते हैं या $4-5 में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। आप देख सकते हैं यहाँ तो मेरा $4.5 है। जब कभी आपको एक्शन बटन मिलेगा, दिखाई देगा गूगल एडसन में, तो आप एक्शन बटन सिंपली क्लिक कर लीजिएगा। तो मैं अभी एक्शन बटन में क्लिक कर लूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पेमेंट में क्लिक करके इस तरह का इंटरफेस आ चुका होगा आपके सामने, देख सकते हैं। आप अगर यहाँ मैंने सेटिंग करके आपका जो गूगल सेटिंग है वह नाम एड्रेस आप देख सकते हैं, और चेक करके आप अगर कोई चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सेटिंग यहाँ करके आप देख सकते हैं। तो मैं सिंपली आप वेरीफाई के लिए रेडी हो चुका हूँ, तो मैं वेरीफाई नाउ में क्लिक कर दूंगा। आप देख सकते हैं मैं वेरीफाई में क्लिक कर चुका हूँ। आप देख सकते हैं इस तरह का इंटरफेस आ चुका है। आप देख सकते हैं वेरीफाई आइडेंटिटी, यू नीड योर वेरीफाई आइडेंटिटी रिसीव पेमेंट फ्रॉम गूगल एडसन। आपका इस तरह का इंटरफेस आ चुका होगा आपके सामने। तो आप देख सकते हैं सिंपली यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। आप देख सकते हैं यहाँ, अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। तो मैं क्लिक कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं। क्लिक करके आप देख सकते हैं यहाँ इस तरह का इंटरफेस आ चुका होगा आपके सामने। लीगल नेम, अगर आप लीगल नेम नाम डालना चाहते हैं तो यहाँ नाम डाल सकते हैं आपका। आप देख सकते हैं इस तरीके का, यहाँ देख सकते हैं अपना नाम डाल लीजिएगा। तो मैं अपना नाम डाल लेता हूँ, आप भी नाम डाल लीजिएगा इस तरीके से। तो आपका जो डॉक्यूमेंट में नाम है वो डाल लीजिएगा। उसके बाद अपलोड योर प्रूफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, मेक योर डॉक्यूमेंट इमेज अपलोड रिलेटेड बाय फॉलोइंग द, उस तरह का आप देख सकते हैं। एक्सटर्नल प्रूफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट,
आप देखते हैं इंडियन पासपोर्ट, यहाँ चार चार ऑप्शन दिया गया है आपके सामने। यहाँ इंडियन पासपोर्ट आप देख सकते हैं, इंडियन पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, वोटर कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है। इसमें आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं दिया गया, आप देख सकते हैं यहाँ कभी भी आधार कार्ड एक्सेप्टेबल नहीं है। ये इंडियन पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है। तो आपको मैं ये और एक बात बताते चलो, यहाँ आपका अगर इंडियन पासपोर्ट है तो उसको दोनों तरफ लगेगा, पैन कार्ड हो तो एक तरफ में ही लगेगा, वोटर आईडी कार्ड तो दोनों तरफ लगेगा, ड्राइविंग लाइसेंस है तो एक तरफ लगेगा। तो आपको यहाँ ध्यान देके आपको पूरा समझ में आना होगा कि एक ही फोटो में दोनों बगल, अगर आप इंडियन पासपोर्ट देना चाहते थे एक ही इसमें दोनों बगल आना चाहिए, यहाँ एक ही फोटो का क्लिक करने का ऑप्शन दिया है। तो सिंपली मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा अपलोड में, तो अपलोड जाकर आपका जो भी फोटो रखा होगा तो मैं अपना ये कर लूंगा। तो मैं देख सकते हैं मैं अपना तो आप देख सकते हैं मैं अपना फोटो जो भी देना चाहता हूँ वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ सेलेक्ट कर चुका हूँ, उसके बाद ओपन में क्लिक कर दीजिएगा। तो आप देख सकते हैं अपलोडिंग हो रहा है आपके सामने। तो आप इस तरीके से आप अपना YouTube को पिन को बेहतरीन तरीके से मंगवा सकते हैं। आप देख सकते हैं अपलोड हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ अपलोड हो चुका है, आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं आप मेरा फोटो अपलोड हो चुका है। मैं भी जो डॉक्यूमेंट्स आप देना चाहते हो करके मैं फोटो अपलोड कर चुका हूँ। सिंपली यहाँ नेक्स्ट में क्लिक कर दीजिएगा, आप देख सकते हैं मैं नेक्स्ट में क्लिक कर चुका हूँ, आप भी क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ अपना एड्रेस जो लीगल एड्रेस है उसको भर लीजिएगा, तो मैं भर चुका हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं आप अगर भर लीजिएगा वहां, आप यहाँ देख सकते हैं कोई आपका सबमिट का बटन नहीं आता है। एक बात बताते चलो, सबमिट का बटन नहीं आने से कंप्यूटर में होने से टैब क्लिक कर दीजिएगा, अब सिंपली टैब में क्लिक कर दीजिएगा तो इस तरह का इंटरफेस आ चुका होगा। उसके बाद सबमिट में क्लिक कर दीजिएगा, आप भी सबमिट में क्लिक कर दीजिएगा, मैं सबमिट में क्लिक कर चुका हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं सबमिट में क्लिक कर चुका हूँ, आप इस तरह का इंटरफेस आ चुका होगा आपके सामने। देख तो आप देख सकते हैं मैं सबमिट में क्लिक कर चुका है, वेरिफिकेशन कंप्लीट, योर वेरिफिकेशन सक्सेसफुल कंप्लीट, वी हैव ईमेल्ड योर दिस डिटेल्स। यहाँ पे बता रहा है कि आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, तो आप यहाँ सिंपली गो इट में क्लिक कर दीजिएगा। तो मैं गो इट में क्लिक कर देता हूँ, आप देख सकते हैं आप अपना ईमेल में आपका मैसेज आ चुका है, आप ईमेल चेक कर सकते हैं कि आपका ईमेल में मैसेज जा चुका है। दोस्तों पे मेरा एकदम अभी का अभी वेरिफिकेशन होके कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों मेरा 2 मिनट का भी टाइम नहीं लगा, सबमिट करने के टाइम ही मेरा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं। किसी किसी में 2 घंटा, 3 घंटा है, 2 दिन, 4 दिन भी लगता है। तो मेरा एकदम 1 मिनट के अंदर सबमिट करते ही मेरा वेरिफिकेशन एकदम कम्प्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं। यहाँ आपको मेरा मेल खोल के आप दिखाऊंगा कि मेरा मेल आ चुका है। तो आप देख सकते हैं मैं अपना सर्च कर लूंगा इनबॉक्स, तो आप देख सकते हैं मेरा अभी का अभी मैं सबमिट किया, अभी का अभी मेरा सक्सेसफुल हो चुका है। तो मैं देख सकते हैं ये मेरा देखा रहा है, आई योर आइडेंटिटी हैज बीन वेरीफाइड, प्लीज साइन इन योर गूगल एडसन अकाउंट एंड सेटअप बाय सेट अप प्राइमरी पेमेंट मेथड या पिन ऑलरेडी। तो आप देख सकते हैं मेरा अभी का अभी मैसेज आ चुका है, आप देख सकते हैं 4 मिनट हुआ मेरा सबमिट करने का, अप्लाई करने का पिन अभी का अभी सक्सेसफुल हो चुका है। दोस्तों आप इस तरीके से अच्छी तरीके से आप अपना चैनल को बहुत अच्छी तरीके से पिन मंगवा सकते हैं। इसके बाद ये वेरिफिकेशन हो चुका है, आप 10 से 15 दिन के अंदर आपका जो एड्रेस दिए है उस एड्रेस में एक पिन का पेपर जाएगा आपका, उस पिन से आपका चैनल को वेरीफाई कर सकते हैं एक अच्छी तरीके से आपका। दोस्तों तो आप आज के लिए इतना ही, चलते हैं फिर आगे अपना वीडियो में। आप देख सकते हैं मेरा पूरा कुछ वेरीफाई हो चुका है, देख सकते। तो दोस्तों मेरा 1 मिनट के अंदर सबमिट करते ही मेरा वेरीफाई हो चुका है, आप देख सकते हैं मैं अपना एडसन अकाउंट लॉगिन कर चुका हूँ। यहाँ देख सकते हैं पहले एक्शन का एरर दिखा रहा था, यहाँ अभी कोई एरर नहीं दिखा रहा है क्योंकि मेरा अभी फुल कंप्लीट हो चुका है वेरीफाई पिन। आप 10 से 15 दिन के अंदर आपका पिन घर में जाएगा, तो आप वहाँ अच्छी से घर में आके आप पिन को वेरीफाई कर सकते हैं अपना चैनल को, एडसन गूगल अकाउंट को।